नाउ अब बात करते हैं वापस सेरिकल्चर की। तो जो सिल्क का साइंटिफिक रियरिंग हम सिल्कवर्म्स की कर रहे थे उसे ही सेरिकल्चर बोला गया था। जो सेरिकल्चर है ये तीन डिफरेंट फील्ड से या ब्रांचेस से मिलके बना है, या तीन इसके पार्ट से हम बोल सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है सेरिकल्चर का वो है कल्चर ऑफ होस्ट प्लांट या फिर होस्ट ट्रीज, कल्चर ऑफ होस्ट प्लांट्स। होस्ट प्लांट्स का कल्चर यहाँ पे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब हम सिल्कवर्म की रियरिंग करेंगे तो उनको खाने के लिए जो भोजन दिया जाएगा उन पेड़ों का कल्चर करने को यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट बोला गया है। अब ये कल्चरिंग ऑफ होस्ट प्लांट जो है ये दो तरीके से हो सकते हैं, दो इसके टाइप्स हो सकते हैं। पहला होगा मोरी कल्चर और दूसरा है अर्बोरी कल्चर। अब मोरी कल्चर यहाँ पे जो बोला जा रहा है इसका मतलब है मोरी कल्चर तब जब हम सिर्फ मलबेरी के प्लांट का कल्टीवेशन करेंगे, मलबेरी सिल्कवर्म्स की रियरिंग के लिए, तो उसे मोरी कल्चर बोला जाएगा। बट अगर हम मलबेरी के अलावा किसी और अदर होस्ट प्लांट का रियरिंग कर रहे हैं तो उसे बोला जाएगा अर्बोरी कल्चर। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट इज द रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म लार्वा। तो सिल्कवर्म के लार्वा को रियरिंग का जो पार्ट है वो इसका सेकेंड प्रोसेस है। एंड द थर्ड पार्ट इज द इंडस्ट्रियल पार्ट, दैट इज पोस्ट हार्वेस्ट ऑफ, जब यहाँ से हम ककून हार्वेस्ट करेंगे उसके बाद जो इंडस्ट्रियल पूरी प्रोसेसिंग वाला पार्ट है जब ककून से थ्रेड बनाया जाएगा उसे बोला जाएगा इंडस्ट्रियल पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, होस्ट प्लांट का कल्चर करेंगे एज अ फूड। सेकेंड पार्ट में हम रियरिंग करेंगे सिल्कवर्म की इस फूड के ऊपर। और थर्ड पार्ट में हम अपने जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको डेवलप करेंगे। यहाँ पे जो हमारा सिल्कवर्म हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल पार्ट की, हमारा जो क्रॉप जो यील्ड होगा वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ वोल्टेनिज्म्स कितना है। अब वोल्टेनिज्म क्या है अगर बात की जाए, या वोल्टाइन जैसे हम कह सकते हैं, तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ लाइफ साइकिल पर ईयर। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जितने टाइम सिल्कवर्म के इंसेक्ट में उसकी लाइफ साइकिल चलेगी एक साल में, या जितने जनरेशन वो एक साल में कंप्लीट करेगा उतना उसका वोल्टेनिज्म होगा, या उतने ही बार हमको क्रॉप या हार्वेस्ट मिलेगा ककून का। तो वोल्टेनिज्म के बेसिस पर अगर इसको तीन टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, अगर सिर्फ एक जनरेशन कंप्लीट हो रही है एक साल में तो उसे बोला जाएगा यूनिवोल्टाइन, जो इंसेक्ट होगा वो यूनिवोल्टाइन होगा। अगर इंसेक्ट साल में दो जनरेशन खत्म कर रहा है तो उसे बोला जाएगा बायवोल्टाइन। बट अगर इंसेक्ट दो से ज्यादा जनरेशन एक लाइफ साइकिल अपनी लाइफ साइकिल की कवर करता है एक साल में तो उसे बोला जाएगा मल्टीवोल्टाइन। तो हमारे पास तीनों ही तरह के सिल्कवर्म रेसेस अवेलेबल हैं। बट अगर ज्यादा बेनिफिशियल की बात की जाए तो नंबर ऑफ, भले ही यहाँ पे हमको नंबर ऑफ क्रॉप्स ज्यादा मिलेंगे बट क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है, इसलिए जो सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी होती है वो है बायवोल्टाइन टाइप की। तो मैक्सिमम कल्चरिंग के टाइम पे या सिल्कवर्म रेयरिंग के टाइम पे बायवोल्टाइन जो है वो प्रेफर करना चाहिए। अब मल्टीवोल्टाइन और बायवोल्टाइन के बेसिस पे कुछ रेसेस हमारे पास है सिल्कवर्म स्पीशीज की या इंसेक्ट की जिनका कल्चर सेरिकल्चर के लिए किया जा सकता है। पहले देखते हैं मल्टीवोल्टाइन रेसेस। इंडिया में दो तरीके की मल्टीवोल्टाइन रेसेस अवेलेबल हैं। पहली है मैसूर रेस और दूसरी है निस्तारी रेस। पहले बात करते हैं मैसूर रेस की। मैसूर रेस जो है वो बेसिकली ग्रीनिश येलो कलर का ककून प्रोड्यूस करती है। इसका जो ककून का कलर होता है वो ग्रीनिश येलो टाइप का होता है। और ये जो है बेसिकली फेमस है, पॉपुलर है मैसूर स्टेट सिटी में, इसीलिए कर्नाटक में इसे इसे मैसूर रेस बोला जा रहा है। वहीं अगर निस्तारी रेस की बात की जाए तो निस्तारी रेस जो है ये गोल्डन येलो कलर के कोकून प्रोड्यूस करती है। और ये जो है पॉपुलर है वेस्ट बंगाल में। तो ये जो दोनों जो है ये है मल्टीवोल्टाइन रेसेस। अगर बायवोल्टाइन रेस की बात की जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही कॉमन बायवोल्टाइन जो फेमस है साउथ या मैसूर में वो है बायवोल्टाइन नंदी।
बाय होल टाइम रेस में नंदी जो है वो बहुत ही पॉपुलर है। नंदी जो है सिल्कवर्म की वो रेस है जो हाइब्रिड रेस है, और इसे बाय वोल्टाइन और मल्टी वोल्टाइन के क्रॉस से बनाया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि नंदी जो है हाइब्रिड रेस है डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग, इसे बाय वोल्टाइन को मल्टी वोल्टाइन रेस के साथ क्रॉस करके बनाया गया है। इसलिए ये जो नंदी है ये बेसिकली बाय वोल्टाइन है, क्योंकि जो मेन पैरेंट था ये इसका बाय वोल्टाइन था, हमने सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स मल्टी वोल्टाइन से लिए हैं।